तो अपनी जो निकी ऐश है वो तो मनी इन द बैंक ब्रीफ केस कैश इन करके न्यू चैंपियन बन चुकी है, लेकिन स्टिल जो अपने बिगी हैं उनके पास है मिस्टर मनी इन द बैंक 2021 का ब्रीफ केस। और भाई रिसेंटली कुछ बहुत ही बड़े प्लान्स आ चुके हैं सामने कि जो बिगी का ये वाला कैश इन होने वाला है वो एक सक्सेसफुल कैश इन रहेगा या फिर वो कैश इन हो जाएगा फेल्ड अगर वो कैश इन करते रोमन रेंस के ऊपर, और क्या अगर वो बॉबी लैशली के ऊपर कैश इन करेंगे वो सक्सेसफुली उस कैश इन को कर पाएंगे या फिर नहीं, जो सारी चीजें बिगी कैश इन को लेकर इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं बात। साथ ही में सर्वाइवर सीरीज 2021 की कौन सी लोकेशन होगी इसको लेकर एक अपडेट आई है सामने, फिंड ब्रेवार्ड के WWE स्टेटस और उनके रिटर्न को लेकर भी एक और न्यूज निकल कर आई है। इस साल WWE करवा सकती है क्वीन ऑफ द रिंग 2021 का टूर्नामेंट, द रॉक की भी हो सकती है WWE के अंदर रिटर्न और वो भी होगी इसी ईयर के अंदर। तो काफी सारी चीजें होंगी आज की इस वीडियो के अंदर, काफी बड़ी चीजों के बारे में हम लोग करने वाले हैं बात। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो वीडियो को सबसे पहले हम लोग शुरू करने वाले हैं अपने NXT की चैंपियन यानी कि कैरन क्रॉस के बारे में। और जिन लोगों को नहीं पता जो आने वाला NXT का एपिसोड होने वाला है वो एक टीवी टेप्ड शो होगा, यानी कि ये शो लाइव नहीं होने वाला है। WWE ने ऑलरेडी इस पूरे NXT के एपिसोड को टेप कर रख दिया और रिसेंटली कुछ स्पॉयलर्स आए सामने जहां पर माना जा रहा है जो कैरन क्रॉस और सामोआ जो उनके बीच एक सेगमेंट होता है इसी शो के ऊपर और उसके बाद WWE सामोआ जो कि जो इन रिंग रिटर्न है हमें उसे कंफर्म करती हुई नजर आएगी जो कि होगी NXT टेकओवर 36 के अंदर। लेकिन एक और काफी कमाल का स्पॉयलर आया सामने, स्पॉयलर्स के अकॉर्डिंग जो कैरन क्रॉस है वो अपनी एंट्री कर रहे थे जब वो सामोआ जो को आकर चैलेंज करें और जब उनकी एंट्री होती है उनके एंट्रेंस थीम सॉन्ग के अंदर जो लाइव फैंस थे वहां पर वो जेफ हार्डी के चैंट करना शुरू कर देते हैं पूरे अरीना के अंदर, हार्डी हार्डी नाम के चैंट्स लगते हैं। इसको देखने के बाद जो WWE है वो फैंस को समझाते हैं और वो कहते हैं चलो कोई बात नहीं हम कैरन क्रॉस की जो एंट्री है एक बार फिर से करेंगे और इस बार जो फैंस है उन्हें हार्डी के चैंट नहीं करने हैं, जो रॉ के अंदर हो गया सो हो गया। लेकिन भाई जब एक बार फिर कैरन क्रॉस की एंट्री है जो वहां पर कुछ फैंस बैठे होते हैं वो जेफ हार्डी के हमें चैंट करते हुए नजर आते हैं क्योंकि हमने देखा जेफ हार्डी ने हरा दिया कैरन क्रॉस को, उनकी अनडिफीटेड स्ट्रीक को पूरे तरीके से चकनाचूर करके रख दिया उससे पहले कि सामोआ जो उनको रोकते। और उसके बाद माना ऐसा जा रहा है कि जो WWE के पूरे एम्प्लॉयज हैं उन्होंने कुछ फैंस को जो कि जेफ हार्डी के स्टिल चैंट कर रहे थे उन्हें अरीना से ही बाहर निकाल दिया, उन्हें वहां से एग्जिट दे दिया कैपिटल रेसलिंग सेंटर से कि भाई हमें माफ कर दो आप जाओ बाहर और आपकी यहाँ पर जरूरत नहीं है थोड़ी देर के लिए क्योंकि यहाँ पर अभी फिलहाल कैरन क्रॉस का जो सेगमेंट है वो होने वाला है और वहां पर आपको जेफ हार्डी के नारे नहीं लगाने। बाकी भाई देखने मजा ये आने वाला है कि जब WWE इस पूरी चीज को हमें एयर ऑन करती हुई नजर आएगी या उसमें एक भी जेफ हार्डी का जो चैंट हमें सुनाई देगा या फिर नहीं, या फिर WWE से पूरे तरीके से एडिट करके हमें डालती हुई नजर आएगी, ये चीजें देखने लायक रहेंगी। लेकिन ये काफी कमाल की चीज है जो कि लाइव फैंस ने की जब कैरन क्रॉस की हो रही थी इस NXT के एपिसोड के अंदर एंट्री। नेक्स्ट अपडेट की तरफ लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं और भाई ये जुड़ी है अपने सर्वाइवर सीरीज 2021 के शो के बारे में। और इस ईयर का जो सर्वाइवर सीरीज का शो होने वाला है वो भी काफी ज्यादा कमाल का काफी ज्यादा बड़ा शो होगा क्योंकि यहाँ पर कुछ सरप्राइज रिटर्न्स होगी। इनफैक्ट WWE सर्वाइवर सीरीज के अंदर मे बी इस ईयर NXT ब्रांड को भी इंक्लूड करती हुई नजर आ सकती है। तो NXT वर्सेज रॉ वर्सेज स्मैकडाउन क्या कमाल का होता है ये बात तो हम सभी जानते हैं। ऑलरेडी सर्वाइवर सीरीज एक बहुत ज्यादा हाइप्ड पेपर व्यू होता है लेकिन रिसेंटली जो लोकेशन है वो रिवील हो चुकी है कि भाई कौन सी जगह पर हमें इस ईयर का सर्वाइवर सीरीज होता हुआ नजर आएगा। और माना जा रहा है कि जो बार्कले सेंटर ब्रुकलिन न्यूयॉर्क के अंदर है वहां पर इस ईयर का सर्वाइवर सीरीज 2021 होगा। आई नो WWE फैंस इस अरीना से काफी ज्यादा फेमिलियर होंगे क्योंकि ज्यादातर जो समर स्लैम है WWE इसी जगह हमें होस्ट करवाती हुई नजर आती है, वो अलग बात है इस साल एलिजेंट स्टेडियम के अंदर होगा क्योंकि WWE समर स्लैम के लिए कुछ बड़ी चीजें करने के बारे में सोच रही है। लेकिन लग ऐसा रहा है स्टिल WWE के प्लान्स के अंदर जो बार्कले सेंटर जो कि न्यूयॉर्क के अंदर है वो शामिल है और इस ईयर का सर्वाइवर सीरीज 2021 वहां पर होने वाला है। मजा काफी आएगा इस ईयर के सर्वाइवर सीरीज शो को देखने में। नेक्स्ट अपडेट की तरफ लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं ये जुड़ी है अपने फॉर्मर यूनिवर्सल चैंपियन यानी कि फिंड ब्रे वायट के बारे में। बहुत सी रिटर्न्स हो रही हैं WWE में और हमने देखा इसी एक ही हफ्ते के अंदर कितने सारे रिटर्न्स हो गए। जॉन सीना वापस आ गए, कीथ ली अपने वापस आ गए, गोल्डबर्ग वापस आ गए, फिन बैलर ने एक बार फिर से कर लिया अपना स्मैकडाउन का डेब्यू। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही है कि कहां पर हैं अपने ब्रे वायट, क्या वो रीजन है वो टेलीविजन पर नहीं आ रहे हैं, क्या जो 9 अगस्त के लिए वो एडवर्टाइज किए जा रहे हैं क्या फाइनली वहां पर ब्रे वायट की वापसी होगी। तो इसको लेकर रिंग साइड न्यूज की तरफ से और भी काफी सारी अपडेट्स आते निकलकर सामने कि अभी फिलहाल क्या करंट सिचुएशन है, क्या वो रीजन है क्यों ब्रे वायट टेलीविजन के ऊपर दिखाई नहीं दे रहे। और उनका मानना ये जब उन्होंने पूछा बैक स्टेज के ऊपर कि भाई क्या रीजन है ब्रे वायट अभी फिलहाल WWE में क्यों नहीं है, तो जो रीजन बताया जा रहा है वो पर्सनल लीव नहीं बताया जा रहा क्योंकि काफी सारे लोगों का मानना यह था कि ब्रे वायट शायद अभी फिलहाल उस चीज से सफर कर रहे हैं कि उनके जो बेस्ट फ्रेंड थे जिनके साथ उन्होंने लंबे टाइम तक काम किया था अपने ब्रूडली, उनके जो दुख है एक तरह का अभी फिलहाल फिंड के मन में होगा इसलिए वो अपने WWE रिटर्न नहीं कर पा रहे। लेकिन माना जा रहा है कोई पर्सनल रीजन नहीं है जिसके कारण ब्रे वायट
WWE से बाहर हैं, बल्कि जो रीज़न बताया गया है वो रीज़न मेडिकल बताया गया, यानी कि मेडिकल आप इंजरी से इंक्लूड कर सकते हो इसे, कि कोई ना कोई ऐसी मेडिकल इशू है यहाँ पर ब्रेव हार्ट को, या फिर उन्हें इंजरी है जिसके कारण वो WWE के अंदर एक बार फिर से वापस नहीं आ पा रहे हैं। अगर मैं बात करूँ कीथ ली के बारे में, कीथ ली का भी जो स्टेटस था काफ़ी मिस्टीरियस था, लग ऐसा रहा था कि WWE ने जानबूझ के उन्हें बाहर रखा है, लेकिन आखिरी में बात रिवील होती है कि कीथ ली इंजर है और कीथ ली फाइनली इंजरी से अब रिकवरी कर चुके हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है ब्रे वायट का भी यहाँ पर ये सीन, अभी फिलहाल वो अपनी इंजरी से रिकवरी कर रहे हैं, और अगर 9 अगस्त तक जहाँ पर वो एडवर्टाइज किए जा रहे हैं अगर वहाँ तक पूरे तरीके से वो फिट एंड फाइन हो पाते तो लग ऐसा रहा ब्रे वायट वापस आएंगे, वरना मे बी वो समर स्लैम 2021 को भी मिस करते हुए नजर आ सकते हैं। अब ना यहाँ पर ब्रे वायट की गलती है ना ही WWE की गलती है, लेकिन जब वो रिकवर होंगे ये भाई एक्चुअल ट्रूथ है कि वो तभी वापस आ पाएंगे, ऐसा तो नहीं कि वो इंजरी के स्टेटस में ही WWE के अंदर रिटर्न कर लें। तभी फिलहाल ये भी कुछ बातें जो कि सामने आ रही है अपने ब्रे वायट को लेकर, और कब तक उनके रिटर्न होंगे भी फिलहाल वो बातें बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है। होप ही करूंगा जल्दी से जल्दी एक बार फिर से ब्रे वायट ठीक हो जाए और WWE के अंदर तबाही मचाते हुए नजर आए। नेक्स्ट अपडेट की तरफ लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं, और ये जुड़ी है अपने पीपल चैंप द ब्रह्मा बोल द रॉक के बारे में। अब नेक्स्ट ईयर रेसलमेनिया 38 के अंदर हो सकता है मेन इवेंट मैच रोमन रेंज वर्सेज द रॉक के बीच में, जो कि एक सिंगल्स मैच होगा, लेकिन मे बी WWE प्लान कर सकती है द रॉक की सरप्राइज रिटर्न इसी ईयर WWE के अंदर, और वो रिटर्न कर सकते हैं सर्वाइवर सीरीज 2021 के अंदर। अब जो लोग चैनल पर एक्टिव होने पता होगा कि इस ईयर का जो सर्वाइवर सीरीज है द रॉक के लिए अपने काफी ज्यादा स्पेशल है। अब जो लोगों को नहीं पता है इस ईयर सर्वाइवर सीरीज 2021 जो है वो द रॉक की 25th एनिवर्सरी होगी उनके WWE डेब्यू के लिए, और एंड्रयू ज़ारेन जो कि WWE के काफी ज्यादा ट्रस्टेड सोर्स माने जाते हैं उन्होंने इस बात को कंफर्म किया कि WWE के प्लान से भी फिलहाल ये कि जो द रॉक है वो इस ईयर सर्वाइवर सीरीज 2021 के अंदर अपनी स्पेशल अपेयरेंस करते हुए नजर आएंगे। साथ ही में माना ऐसा जा रहा है सर्वाइवर सीरीज से कुछ हफ्ते पहले जो द रॉक है वो हमें रॉ और स्मैकडाउन के शोज में वापस आते हुए नजर आएंगे, और वो रॉ में भी आएंगे वो स्मैकडाउन के अंदर भी आएंगे, और कुल मिला के दोनों तरफ से वो हमें सर्वाइवर सीरीज को हाइप करते हुए नजर आएंगे। और माना जा रहा है मे बी सर्वाइवर सीरीज के अंदर रोमन रेंज और द रॉक के बीच में कोई ना कोई कॉन्फ्रंटेशन होगी, ये बात पूरे तरीके से क्लियर है। द रॉक हमें सर्वाइवर सीरीज में बिल्कुल रेसल करते हुए नहीं नजर आएंगे, वो फिजिकल एक्शन में नहीं होने वाले हैं, लेकिन हाँ WWE द रॉक को इसलिए वापस बुलाएगी ताकि जो फैंस हैं वो एक्साइटेड हो सके, वो हाइप हो सके सर्वाइवर सीरीज 2021 के लिए, और जस्ट एक टाइप की सेलिब्रेशन होगी 25th एनिवर्सरी की, जो कि है अपने द पीपल चैंप का WWE का डेब्यू। वैसे मजा आने वाला है सर्वाइवर सीरीज से पहले अगर जॉन सीना की तरह द रॉक आते हैं, वो रॉ और स्मैकडाउन दोनों को अटेंड करते हैं, और सर्वाइवर सीरीज के अंदर अगर एक कॉन्फ्रंटेशन होती है द रॉक और रोमन रेंज के बीच में वो एकदम नेक्स्ट लेवल की होगी। मुझे अभी से गूज बम्स आ रहे हैं कि जब द रॉक और रोमन रेंज आमने सामने आएंगे, जब ट्राइबल चीफ और द इलेक्ट्रीफाइंग मैन आमने सामने आएंगे तो रिंग के अंदर कितना तगड़ा माहौल होगा। वैसे क्या आप लोग एक्साइटेड हो द रॉक की इस ईयर सर्वाइवर सीरीज 2021 की रिटर्न के लिए या फिर नहीं, अपना ओपिनियन आप लोग शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। नेक्स्ट अपडेट की तरफ लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं, और ये किंग ऑफ द रिंग नहीं बल्कि क्वीन ऑफ द रिंग 2021 के टूर्नामेंट के बारे में जुड़ी है, और WWE इस ईयर काफी सारी बड़ी चीजें करना चाहती है, काफी स्पेशल चीजें करना चाहती है, और उसमें शामिल होने वाला है फीमेल्स का एक क्वीन ऑफ द रिंग का टूर्नामेंट। आज सुबह सुबह ये अपडेट है wrestlingnews.inc की तरफ से आती है सामने, और वो इस बात को कंफर्म करते हैं कि WWE ने इस ईयर के लिए क्वीन ऑफ द रिंग का जो टूर्नामेंट है वो बचा कर रखे, और डेफिनेटली ये जो टूर्नामेंट है आपको WWE के अंदर इस साल दिखाई देगा। अब वो टूर्नामेंट कब होने वाला है इसकी कोई फिक्स डेट नहीं है, मे बी हो सकता है वो सिर्फ रॉ और स्मैकडाउन की जो फीमेल सुपरस्टार्स हैं, जो फीमेल टैलेंट्स हैं उनके बीच में हो, मे बी ऐसा हो सकता है जो NXT की कुछ सुपरस्टार्स है वो भी हमें शामिल होती हुई नजर आए। कुल मिला के भी फिलहाल जो पार्टिसिपेंट्स हैं कौन कौन सी ब्रांड शामिल होंगी ये बात कन्फर्म नहीं है, लेकिन ये सी बात पूरे तरीके से श्योरिटी है कि इस ईयर होने वाला क्वीन ऑफ द रिंग का टूर्नामेंट। आपके हिसाब से कौन सी वो फीमेल सुपरस्टार है जो कि डिजर्व करती है क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट की पहली विनर बनना, अपना ओपिनियन आप लोग शेयर करना कमेंट सेक्शन के अंदर। नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट की तरफ लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं, और ये जुड़ी है अपने मिस्टर मनी इन द बैंक 2021 यानी कि बिगी के बारे में, और अपने जब बिगी कैश इन करेंगे मनी इन द बैंक का ब्रीफकेस, चाहे वो कैश इन करें रोमन रेंज के ऊपर और चाहे वो कैश इन करें बॉबी लैशली के ऊपर, तो क्या वो न्यू चैंपियन बनेंगे या फिर जो उनका कैश इन है वो होने वाला है अनसक्सेसफुल। क्योंकि काफी सारे लोगों का मानना ये है कि शायद ऐसा हो सकता है WWE पहले दिखाए जो अपने बिगी है वो कैश इन करते हुए नजर आए रोमन रेंज के ऊपर, जब होगा रोमन रेंज और जॉन सीना का मैच पूरे तरीके से खत्म और उसके बाद जो बिगी है वो कैश इन करेंगे, लेकिन उनका कैश इन फेल हो जाएगा, फिर WWE फ्यूड बिल्ड करेगी रोमन रेंज और बिगी के बीच में, और उसके बाद जो बिगी है वो हराते हुए नजर आएंगे रोमन रेंज को और वो बन जाएंगे अपने न्यू यूनिवर्सल चैंपियन। लेकिन इसको लेकर एंड्रयू ज़ारेन की तरफ से एक और कंफर्मेशन अपडेट आती है सामने, वो कहते हैं अभी तक WWE ने इस बात को पूरे तरीके से डिसाइड नहीं की है कि जो अपने बिगी है उन्हें कैश इन करना WWE चैंपियनशिप के ऊपर या फिर उनका कैश इन करवा
हुआ ना यूनिवर्सल टाइटल यानी कि अपने ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंज के ऊपर। लेकिन जो अभी फिलहाल जो उन्हें सोर्सेज पता लगे, जो उन्हें बातें पता लगी हैं, उसके हिसाब से ये बात 1000% कन्फर्म है कि बिगी का चाहे कैश इन WWE चैंपियनशिप के ऊपर हो, चाहे वो यूनिवर्सल टाइटल के ऊपर हो, आखिरी में जो रिजल्ट होगा वो बिगी के फेवर में होने वाला है। और बिगी डेफिनेटली इस मनी इन द बैंक ब्रीफ केस के कारण हमें न्यू वर्ल्ड चैंपियन बनते हुए नजर आएंगे। और मेरे हिसाब से बिगी जरूर इस चीज को डिजर्व करते कि वो एक ना एक बार वर्ल्ड चैंपियन बने, वो एक सिंगल्स पुश WWE के अंदर डिजर्व करते। और लगे ऐसा रहे कि फाइनली जो सिंगल पुश की जो सीढ़ी है, वो जो दरवाजा उनके लिए खुल चुका है। और अब ये बात जब पूरे तरीके से कंफर्म है कि बिगी हमें न्यू चैंपियन बनते हुए नजर आएंगे, मुझे सही में अभी लग रहा है कि समर स्लैम 2021 के अंदर बॉबी लैशली और गोल्डबर्ग के मैच के दौरान या फिर इसके मैच के जस्ट खत्म होने के बाद जो बिगी है वो हमें कैश इन करते हुए नजर आएंगे और वो बनने वाले न्यू WWE चैंपियन। क्योंकि हमने देखा किस तरीके से बॉबी लैशली ने कोफी किंगस्टन की धज्जियां उड़ा दी, तो जरूर उसका जो बदला है अपने बिगी लेना चाहेंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है पूरे फ्यूड के दौरान ये बात टीज होगी कि जो बिगी है वो कैश इन करने वाले रोमन रेंस के ऊपर, लेकिन आखिरी में सरप्राइज में वो कैश इन करेंगे बॉबी लैशली के ऊपर और वो बनने वाले न्यू चैंपियन। क्या आप लोग खुश हो जब ये बात कंफर्म हो चुकी है कि जो बिगी का कैश इन है वो सक्सेसफुल कैश इन रहेगा, यहाँ पर कोई भी फील्ड कैश इन नहीं होने वाला है? अपना ओपिनियन आप लोग कॉमेंट सेक्शन के अंदर शेयर कर सकते हो। और भाई आज की जो ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी, अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है आप लोग नीचे वीडियो को लाइक कर सकते हो। वीडियो को लाइक करने के साथ आप लोग सब्सक्राइब कर दो चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को कर दो ऑन, ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल के ऊपर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कमाल की एंड और भी फ्रेश अपडेट जानने को मिलती रहे। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आके आपसे काफी जल्दी मिलता हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।